नमस्कार, संगीतकार अरूप बैनर्जी की तरफ से आज पावन अवसर महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर आप सबको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। मैं समझता हूं आज उपवास पूजा शिवजी की तभी सार्थक है अगर उनके कर्म कांड से, उनके जीवन कहानी से प्रभावित होकर, प्रेरित होकर उस राहों पर अगर हम चल के पूजा पाठ करते हैं, उपवास करते हैं, फल दूध चढ़ाते हैं, तभी जाके मैं समझता उसकी सार्थकता है। शिवजी का घर में फोटो लगाने से, अगरबत्ती लगाने से सिर्फ नहीं है, उसे राहों पे भी चलना जरूरी है। आपको मालूम है वो तैग का एक इतना बड़ा एक सिंबल है, तैग। समुद्र महामंथन कोई भूल नहीं सकता, और जिससे विष उनको पान करना पड़ा, लेकिन उसके बाद जब अमृत आया वो वितरण कर दिए देवताओं में, अमृत वितरण कर दिए। तो मेरा कहना भी वही है कि हम कितना त्यागी है। एंजॉयमेंट तो सभी जानते हैं, वो कॉमन बात है। पशु पक्षी वो लोग भी जानते हैं व्हाट इज एंजॉयमेंट। देखी भेजे प्रकृति, देखी भेजे वो सब कुछ एंजॉयमेंट। लेकिन आप लोग ये स्वीकार करेंगे, आनंद यानी एंजॉयमेंट से बढ़ के अगर अपने आप को हम उस परमानंद यानी उस परमेश्वर के साथ युक्त कर सकते हैं, तो उसके बाद जो एनलाइटनमेंट होगा यहाँ मन में, जो एक प्रज्वलन होगा जिससे हम दुनिया में अन्याय, अविचार, अत्याचार जिसके खिलाफ हम आवाज़ उठा पाएंगे, और ना ही खुद करेंगे किसी के प्रति अत्याचार, वो एक धर्म है। उस धर्म को हम कितना निभाते हैं, और मैं समझता हूँ उस धर्म को निभाने के बाद ही शिवरात्रि का पूजा का सार्थकता उसके अंदर जुड़ी हुई है। ये मेरा अपना मानना है, और बाकी भक्ति अपनी अपनी सबकी, उसमें मेरा कुछ कहना नहीं है।